कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने शहर के तमाम 5 बाजार, बैंक, सरकारी एवं निजी कार्यालय, दुकान में सुपर स्प्रेडर का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को शहर की कॉटन मार्केट परिसर में यह टेस्ट किया गया, जिसमें परिसर के दुकानदारों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ऐसी जानकारी धंतोली जोन की JDMO मेघा जायसवाल द्वारा दी गयी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी एवं मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने स्वास्थ्य विभाग को सुपर स्प्रेडर की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत सुपर स्प्रेडर की टेस्ट की जा रही है। सोमवार को कॉटन मार्केट परिसर में सुपर स्प्रेडर्स की टेस्ट रविवार से शुरू की गई। पहले दिन यानी रविवार को 150 लोगों की टेस्ट की गई। सोमवार को 200 से अधिक लोगों की टेस्ट की गई है। आपण जसं तर शनिवारपासून सुपर स्प्रेडर्स म्हणजे नागपूर महानगरपालिकेने सुरू केलेला आहे, तर आपण इथे जो कॅम्प आहे तो कालपासून लावलेला आहे। कालही आपल्याला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला। पहिला दिवस 150 झाले, त्यापेक्षा आजचा प्रतिसाद अजून चांगला आहे। आज आपले 200 जवळपास आतापर्यंत झालेले आणि कॅम्प सुरूच आहे। कालपासून आपण जे सुरू केलं आहे, जेवढेही दुकानदार आहे आणि त्यांचे जे वर्कर्स आहे, किरकोळ मोठे सगळ्या दुकानदारांना आपण आवाहन करतो आहे। सकाळपासून आपण गाडी पण फिरवतो आणि आपले कर्मचारी जाऊन त्यांना सांगतात आहे आणि टेस्टिंगचं महत्त्व पण सांगत आहे, त्याच्यामुळे लोक पण पुढे येऊन टेस्टिंग करतात आहे। कॉटन मार्केट परिसर के सभी दुकानदारों वर्कर्स की कोरोना टेस्ट की जा रही है, जिससे लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही लोगों में कोरोना टेस्ट के लिए जन जागृति की गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।